बाबू से हाय कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, ऐसे ही कुछ। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द सीरीज ऑफ आज हमारे किचन में क्या पक रहा है। आज हमारे किचन में पक रहा है बिरयानी, मटन बिरयानी। तो आज हम बना रहे हैं, हम मतलब बनाती तो मम्मा ही है, बट मम्मा के हाथ में थोड़ा पेन है तो मैं बनाऊंगी, मतलब मम्मा मुझे गाइड करेंगी और मैं बनाऊंगी। सो आज हमारे घर में बन रहा है मटन बिरयानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसा बनता है, आप देखना, बहुत अच्छा बनता है हमारे घर का बिरयानी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेप करके रखा है, प्याज को काट लिया है, अभी मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी और कुछ प्याज मुझे चॉप करने हैं। और यहाँ पर कुकर में क्या है, मसाले में कुकर में हमने चढ़ा दिया मटन और उसमें कुछ मसाले डाले, जैसे मसाले अभी मम्मी आपको बताएंगी। बताओ। अच्छा, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच बिरयानी मसाला और एक चम्मच नमक, थोड़ा सा मतलब पानी डाल के आप बॉईल कर लेना। पर हमने ना कुकर में टमाटर भी तो डालना है इसके साथ ही, तो कुकर में हमने 3 से 4 सीटी लगाई। हम ज़्यादा सॉफ्ट मटन प्रेफर नहीं करते, तो सीटियाँ आपको जितनी लगानी है आप लगा सकते हैं। तो मम्मा ने अब मुझे बताया इसमें टमाटर भी डालने हैं। कितने टमाटर बाबू से हाय? हमारे बिरयानी बनने में बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती, मतलब मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम साथ में बनाएंगे मटन कौशा, तो उसके लिए मम्मा एक कुछ सामान मतलब इंग्रेडिएंट्स डाल रही है। इसमें मटन है और इसमें डाल दिया मम्मा ने अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा हम डालेंगे 3-4 चम्मच तेल। और जब तक अभी हमारा बिरयानी बनेगा ना, तो मटन को इसलिए मैरिनेट करके रख रहे हैं ताकि मसाले अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। और ये ऑप्शनल है कि अगर आप साइड में लूडो खेलना चाहते हैं तो लूडो भी खेल सकते हैं। बोनस ले लेते। नमक डाल देंगे सिर्फ 1.5 चम्मच, हल्दी, मिर्च। तो हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, लेकिन ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। प्रज्ञा ने भी मुझे बोला कि उसे रेड कश्मीरी रेड चिली डालती है, पता है वो रंग के लिए। हाँ, वो सिर्फ कलर के लिए होता है, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। ओके, तो डाल दिया 2 चम्मच धनिया पाउडर और जाएगा यहाँ पे 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। ठीक है, अच्छे से हम मसाले मिक्स करेंगे और जितना भी टाइम हमें लगेगा बिरयानी बनाने में उतना देर मसाले लगा के रख देंगे और फिर फटाफट से हमारा मटन कौसा भी तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मम्मा का यहाँ पे मतलब शोल्डर बैंड लग रखा है क्योंकि मम्मी के हाथ में थोड़ा सा पेन है। आप विश करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। और आज की बिरयानी की खास बात ये है कि आप में से काफ़ी लोग ऑफेंड होने वाले कि हम ये बिरयानी इस तरीके से क्यों बना रहे हैं। हम लाइक जो ऑथेंटिक ऑफिशियल तरीका होता है बिरयानी बनाने का, हम वैसा नहीं बनाते। हम इन अ सेंस मम्मा वैसा नहीं बनाती कि राइस हो गया, फिर चिकन, मतलब चिकन या मटन जो आप प्रेफर करेंगे बिरयानी के लिए वो, देन आप अगेन राइस, तो मम्मी वो नहीं बनाती ना, वैसा नहीं बनाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि हम बिरयानी किस तरीके से बनाते हैं और आप देखने के बाद बताना कि वो कैसा लग रहा है। और आप अपने घर में भी ट्राई करना अगर आपका मन करे तो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इट्स लाइक वो बिरयानी हमें सबसे ज़्यादा पसंद है जो मम्मा बनाती हैं। ऑफकोर्स सी बात है, जो मम्मियाँ बनाती हैं वो हर किसी को पसंद आती है, बट ये वाला जो है ना स्पेशल टेक्निक कि लाइक दुनिया से अपोजिट बिल्कुल परे जो रेसिपी है उससे उल्टा बनाना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखते रहिए कि कैसे बनती है हमारी बिरयानी। और स्वागत कीजिए हमारे इस बड़े पतीले का, हम इस बड़े पतीले में बनाएंगे हमारी बिरयानी बिल्कुल, क्योंकि भाई दो दिन तक खाएगा। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा बिरयानी बनती है, उसकी फेवरेट बिरयानी। वो बहुत कम ओकेजनली, लाइक बहुत लाइक रेयरली मन करता है ना तभी वो बोलता है बनाने के लिए। तो अभी हमारी बड़ी कढ़ाई, ये पतीला निकल चुका है, ये हमारे बेड के नीचे रहता है। हाँ, इतना बड़ा ये, यहाँ पे किचन में जगह नहीं है बिल्कुल भी रखने की। घी बहुत ज़्यादा लगने वाला है तो कोई भी कंजूसी मत करना। नहीं नहीं
और मैंने आज बिरयानी बनाने में ही सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है। लाइक मेरा इतना प्यारा नया टॉप है, मेरी इतनी प्यारी अच्छी दो टॉप पहने, इसी दिन पहनना था। अदरक और लहसुन का पेस्ट, और जब मटन को मैंने बॉईल किया था तब भी एक चम्मच अदरक लहसुन का डाला था। और मसाले को ना अच्छे से हमें भूनना है जब तक घी साइड से अलग ना हो जाए, तो 10 से 12 मिनट टाइम लगेगा आपको। और यहाँ पे मैंने एप्रन को पूरी तरीके से कवर कर लिया क्योंकि मैं अपने कपड़ों को ख़राब करने का रिस्क नहीं दे सकती। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चिली पाउडर, नमक और 2 चम्मच जाएगा बिरयानी मसाला। मसाले अच्छे से देखिए भून चुका है, एकदम घी अलग दिख रहा है और मसाले देखिए पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम पतीले को ना साइड में रखेंगे और जो मटन हमने बॉईल किए थे उसे हम 2 मिनट के लिए पहले अलग से फ्राई कर लेंगे। घी डाल दिया है, घी गर्म हो जाने के बाद मटन डाल के फ्राई करेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे, बस हल्का हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। और जो हम बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं वो कैच का बिरयानी मसाला है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। यहाँ पे हमने आलू को फ्राई कर लिया था, अब मम्मी फ्राई करेंगी प्याज। प्याज फ्राई हो जाने के बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिए थे, अब दोनों फ्राई हो गए, अब इसमें डालेंगे मटन और बाकी कुछ मसाले और नहीं डाला है अलग से। मटन को हम 20 से 25 मिनट ना अच्छे से भूनेंगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम में हमें ढक के भूनना है और बीच बीच में हम एक एक बार खोल के चलाते भी रहेंगे इस कचरा से। और मैंने यहाँ पे सब क्लीन भी कर दिया है, थोड़ा और करना बाकी है बट साफ कर दिया। तो अच्छे से हम मिलाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में हम मटर को ढक के पकाएंगे 25 मिनट और बीच बीच में खोल के आप बार बार चेक भी करते रहिएगा। अब हमें चावल को फ्राई करना है घी में, तो डाल देते बहुत गर्म है, डाल दो। घी गर्म हो गया, हम थोड़ी देर के हिलाएंगे, इसी से हिला लो। हाँ, बस 1-1.5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। सभी चावलों में हमारा घी अच्छे से लग जाए, फ्राई हो जाए, और फिर हम बार बार यही प्रोसेस करते रहेंगे जितना हमारा चावल होता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, घी का तड़का होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। थोड़ा सा बिरयानी मसाला, इस तरीके से हम बिरयानी बनाएंगे। अभी अभी मतलब फाइनल प्रोसेस हुआ भी नहीं, तो मिड सेक्शन में हो आप, अभी देखते जाओ किस तरीके से हमारा बिरयानी बनके तैयार होगा। सो धीरे धीरे करके मम्मी ने इसमें सारा का सारा चावल डाल दिया, तो ये हमारा फ्राई हो गया है। और जो हमने मटन भी फ्राई किया था ना वो मसाले में डाल दिया है, अब हाँ। ये निकाल लो, हटा लो, ये पक्का हो गया। हाँ, अब ये जो मसाले में हमने मटन डाला था ना, और आपको दिख भी नहीं रहा। हाँ, मैं भी दिखा, तो मटन डाल दिया है, अब इसमें चावल जाएगा। बस 2 मिनट हम चावल डाल के बस मसाले के साथ हम और अच्छे से भून लेंगे, फिर हो गया हमारा बिरयानी। ये रहा जो हमारा मसाला था, मटन मसाला, थोड़ा सा भी इसे गरम, और ये हम डाल देंगे। और जो हम लेयर करते हैं, मतलब जो ऑफिशियल बिरयानी बनती है ना उसमें लेयरिंग होती है, बट हमारे यहाँ पे ना इस तरीके से बनता है। तो ये है फाइनल जो प्रेजेंटेशन की, जो मतलब हमारा क्या कहते हैं सीक्रेट है किस तरीके से हम बिरयानी बनाते हैं, वो ये है। अब इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे कंटिन्यू, और जो मसाले हैं वो सभी चावलों में मिक्स हो जाएंगे। जैसे हमने मसाले अलग से भूना घी में, फिर मटन को हमने भूना, फिर चावल को भूना, और फिर हम एक साथ अलग से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। हाँ, अब प्लीज मैं ना खुद भून लेती हूँ क्योंकि फिर मम्मी के हाथ में लगी हुई है, वो हिलाया जा रही है तब से, प्लीज स्टॉप ना। और ये रहा हमारा बिरयानी, आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी देखने में। अभी सर्व करने के बाद ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हमारी बिरयानी कुछ इस तरीके से बनती है, और यहाँ पे हमारा बन रहा है मटन कौशा, जो कि अभी कुकर में जाके ग्रेवी बन जाएगी, और इसमें जाएंगे आलू, और ये सब अभी साफ़ करना बाकी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो एक बार बना के ज़रूर देखना ये वाली रेसिपी, मतलब एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है। ओके, सो आर फूड इज़ रेडी, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बिरयानी। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ कि आज किचन में क्या बन रहा है। ओके, बाय।